हेलो एवरीवन, आज की हमारी हिमालय की बेटियां पाठ शुरू कर रही हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। सम्राट महिला के भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कहाँ ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, बंधुर अतित्यकाएँ, सरसब्ज उपत्यकाएँ, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कौसी आदि हिमालय की छोटी छोटी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघलते हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के बिरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कलेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग यानी तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया तो लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी,
लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुद्रित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी है बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नदी के चित्तित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी।